कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। यहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। तो वहीं पूरे पटना में महाटीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। पटना में 65 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ जाकर लोग टीका ले सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने टीकाकरण और जांच को लेकर तेजी बढ़ा दी है। पटना में भी जो है जांच को लेकर और टीकाकरण को लेकर जो है राज्य सरकार की तरफ से जो है महाअभियान चलाया जा रहा है। आज जो है पूरे बिहार में महाअभियान चलाया जा रहा है और पटना में 65 जगहों पर जो है महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन जो है किया जाएगा। पटना में आज से जो है एक नई सेवा की शुरुआत की गई है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 9 to 9 यानी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर 9 to 9 यानी सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो है अब वैक्सीनेशन देने की सुविधा लोगों को दी गई है। पहले ये सेंटर 24 घंटे चलते थे। जो लोग पहुंच रहे हैं, एक मिनट, आपने इंजेक्शन लिया, 9 to 9 अब एक सेवा शुरू कर दी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, तो अब कभी भी आके आप वैक्सीनेट करा सकती हैं। क्या लगता है फायदा, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं? नहीं, हम तो दो तीसरा लिए हैं तो हाँ फायदा तो होगा। जब सरकार क्यों दिया, फायदे के लिए ने दिया है, फायदा तो होगा। जो है फैसिलिटी दी गई है ताकि जो लोग ऑफिस जाते हैं या ऑफिस के बाद आते हैं उनको समय उस समय नहीं मिल पाता है वैक्सीनेशन अपने आप को कराने को लेकर, तो ये फैसिलिटी बढ़ाई गई है कि 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये काम करेगा। हालांकि तमाम जो लोग हैं ये सेंटर्स बंद हो गए थे, मगर जिस तरह से मामले बढ़े हैं, पटना में 100 से ऊपर मामला आ चुका है, 600 से करीब जो है ऊपर मामला, और पूरे बिहार में 1000 के करीब जो है वैक्सीनेशन से जुड़े हुए मामले, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये फैसिलिटी शुरू की गई है। किस तरह से अब ये संचालित किया जाएगा और टाइमिंग क्या कुछ? ये वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक चलेगी। पहले ये क्या समय? पहले इससे पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर 24x7 थी, 2400 घंटे सातों दिन चलती थी, बट अभी ये वैक्सीनेशन सेंटर 9 AM to 9 PM कर दी गई। बंद बीच में हो गया था, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी? अब ये 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यस अभियान जो चलाया गया था वैक्सीनेशन को लेकर, इन सेंटरों ने काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी और लोगों को वैक्सीनेट करने में काम किया था, मगर फिर से मामले बढ़ रहे हैं और मामलों को देखते हुए जो है फिर से सेंटर को संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अगर मामले और बढ़ेंगे तो सेंटर्स को और बढ़ाया जाएगा, और जिस तरह से लोगों को वैक्सीनेट करने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें काफ़ी तेजी लाते हुए लोगों को वैक्सीनेशन कोरोना से किया जाएगा। इस समय कैमरा पर्सन मंदिर के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना।